राम राम शबनम। में पिंकी किनाड़ा और आप देख पा रहे हैं रियल हरियाणा और खास मुद्दे। फिलहाल दौलतपुर गांव में मौजूद हैं और हिसार लोकसभा को लेकर के जो लगातार सरगर्मियां बढ़ती जान लग रही हैं, सुने न चौटाला ने दौलतपुर की बेटी ने दांव ठोका है। तो फिलहाल दौलतपुर के लोगों से जानते हैं कितना आशीर्वाद उनके ऊपर दौलतपुर के लोग बना पाएंगे, अपने गाँव से किस प्रकार का समर्थन जो है सुनेजा जी ले पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर सारी की सारी बातचीत करेंगे, किसका के माहौल उरे जो है रहने वाला है और कितने मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार तताऊ और खुश हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम। और ठीक हो ताऊ? कितने साल के हो गए ताऊ? तो कक्षा में 62 साल का हो गया। सारी सरकारों के आने जाने देख लियो उम्र के हिसाब से, कौन सी ने ठीक ठाक काम करे हैं किमें कौन करे? फिलहाल ही सार तनखाई कौन बन रही कक्षा में? और तनखाई कौन बन रही ताऊ जी? 65 साल के हो गए? 62 का। 62 का। फिर तो कागज गलत होंगे उम्र के हिसाब से। थोड़ा भी दिखाया मतलब ब्लॉक में भी दिखाया ठीक ठाक है। बताओ का नाम भी जा रहा बताओ ये आगे नाम भी जा रहा बताओ। तो उस समस्या की बात करें तो कौन सी सरकार में सबसे गहना इस समस्या का सामना करना पड़ा? सरकार में जो पडोड़ा हो नहीं मतलब उनको आपका गांव दौलतपुर की बेटी ने ताल ठोकी है सुने ना चौटाला ने सार लोकसभा की, गांव कितना सपोर्ट करेगा? खूब करेगा जी। खूब करेगा। क्या कुछ सुने ना चौटाला की खासियतें अगर बात करें तो क्या कुछ खासियत है चौटाला सुने ना चौटाला? गांव तो जिता देता होगा। गांव तो जिताओ जिताओ जिताओ। नमस्कार जी। नमस्कार। के कुछ माहौल है जी दौलतपुर गांव की सरकारी? सुनेना का माहौल अच्छा है। अच्छा है। हाँ। और सामने रणजीत चौटाला जी नैना चौटाला चौटाला परिवार के भी फाइट में सामने आने लग रहे हैं के कुछ रहने वाला? मेरी ख्याल में तो सुनेना के वोट ज्यादा है दौलतपुर में। तो दौलतपुर में सुनेना के ज्यादा? अगर की जगह कोई और कैंडिडेट होता तो फिर क्या? मुश्किल थी क्या थे इन पार्टी के साथ कौन क्या आप ना पार्टी के साथ कौन थी क्या कुछ कमियां मानते हो इनेलो में? इनेलो में तो झूठे वादे करके जाए पूरे करते है किसी की। अबे चौटाला का तो स्पेशल नारा लागू है अबे ही सत्य है आप झूठे वादे बताओ। झूठे वादे सारे 5,000 की 5,100 कर तनखा झूठ बोल रहा है जे था वो भी अभी भी था स्कूल में। अच्छा। वो भी तो झूठा वादा करे था झूठा करे था। उसको नहीं कर सकता कौन कर सकता कोई तो मोदी भी कहे था मैं 15-15 लाख रुपये कराऊंगा करवाए वादे तो कोई कराए पूरे वादे तो सारी पार्टी करे। कांग्रेस का राज किस है? कांग्रेस का तो बढ़िया राज था हुड्डा सरकार में बढ़िया गरीब आदमी का सही हुआ करता मतलब और सरकार आता तो वही ठीक थी वही ठीक आगे एक नंबर की थी भाई एक के नंबर की लाइन एक के नंबर की थी। हमने तो कोई मजा नहीं आया अठन्नी ना कुछ नहीं मजा आया लेकिन सुने ना कहो उसको ससुराल ला ले भाई क्यों कट कर लगे बाकी हम तो सुने ना वोट दे हमारे गांव की बेटी है बहन है हमारी गांव की बेटी के नाते दे हो या फिर कुछ परिवार या पार्टी के अच्छाइयों का भी कोई परिवार परिवार पार्टी का कोई चक्कर को नहीं हम तो गांव की बेटी के कारण वोट दे हम तो। अगर आप पार्टी को अच्छी नहीं बताने लग रहे तो क्या दौलतपुर से बाहर अदर गाँव में अदर हल्कों में सुने ना जीत पाएगी? उनका रिलेशन उनके किस तरह के उनके अच्छे कॉन्टेक्ट कुकर है क्या? दौलतपुर की बेटी को अगर सिर्फ एक प्रत्याशी के रूप में देखा जाए तो दौलतपुर में पार्टी की कोई अच्छाइयां नहीं है? वे पार्टी के तो माफ तो कदे इन्होंने पार्टी ने वोट दिए कोई पहली बार दिए को नहीं है और भी बीजेपी ने दिए थे पक्ष अरे बीजेपी ने भी दिए थे दाऊ हां दिए थे पक्ष तो मोदी लहर के शिकार हो मोदी की लहर को नहीं राम राम ताऊ राम राम कांग्रेस बढ़ेगी बात तो यही चल रही भाई चेक ऊपर लग रहा तो देखो भाई देख बेटी है या गांव की इसने तो देने देने पड़ेंगे देने देने पड़ेंगे। पार्टी की तरफ से कैसा आपको ये लगता है कि पार्टी में कोई दम है कि नहीं? इसके के लिए दम है हमने तो और किया कौन मेरा और कहेगा कौन मेरा आज छोरी है ने या गांव के गांव की बेटी है देखो टेंशन में तो कोई बुराई वाली बात वही युवा साथी भी नमस्कार जी न्यू ना देखते हैं।
नमस्कार ताऊ। नमस्कार भाई। ये कुछ माहौल है ताऊ जी दौलतपुर गांव का? दौलतपुर गांव का जी बढ़िया माहौल है सुनैना के लिए। सुनैना के लिए? हाँ जी बढ़िया। सुनैना अगर दौलतपुर की बेटी ना होती तो कैसा माहौल रहता? नहीं कोई माहौल नहीं था। फिर कोई माहौल नहीं था? कोई माहौल। अगर सुनैना की जगह प्रत्याशी दूसरा खड़ा हुआ चौटाला जी खुद आ जाए? कोई भी आ जाओ जी। नहीं था फिर? नहीं है। नहीं क्यों नाराज है लोग इन्हें? लो पार्टी कुछ काम तो नहीं कर रखा जी? काम नहीं कर रहा? नहीं बिल्कुल। 20 साल पहले इनका राज रहा, उस टाइम सुनैना का कहना है कि बहुत काम करे। नहीं करया जी। नहीं करया? नहीं करया। अच्छा बीजेपी का राज बढ़िया था जी या फिर कांग्रेस का? कांग्रेस का जी। कांग्रेस का? कांग्रेस। जनता कांग्रेस को चाहती है? हाँ जी बिल्कुल। अब कांग्रेस तो अगर प्रत्याशी की बात करें तो ब्रजेंद्र सिंह जी आने लग रहे हैं। रण लग रहे हैं जीते के कांग्रेस की जो है। कांग्रेस तो मतलब है और कोई भी आ जाओ चेहरे तो कोई मतलब नहीं है। नहीं जी। जयप्रकाश जेपी जी अगर ताल ठोके तो आ जाएगा? वो भी आ जाएगा? वो भी जीतेगा? कांग्रेस के भी जीतेगा जी बिल्कुल है। कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष आ जाओ वो जीतेगा। जीतेगा जीतेगा। अगर कांग्रेस पार्टी का जीते फिर आपकी सुनैना से पहले आ रहेगी? आ रहेगी तो आ रहेगी भाई। हमारे गांव के शब्द तो हमारे कौन देगा? गांव में जी गांव जी हम गांव बता रहे हैं। लोकसभा तो जीत नहीं सकती? नहीं मुश्किल है वो उनकी पूरा जो जो, जो काम करोड़े है जो शब्दा है भाई वो जीतेगी तो जीतेगी नहीं कौन भी जीते। पूरा हिसार का मुकाबला में अगर जयप्रकाश जेपी और सुनैना आमने सामने रहो तो क्या रहो? जयप्रकाश जीतेगा जी। जयप्रकाश जीतेगा बिल्कुल। सुनैना की हार है? हार है बिल्कुल जी। गांव से जीत सकती है और नहीं जीतेगी? सिर्फ गांव का मतलब जीतेगी? बाहर से? बाहर से नहीं। ये देख सकते हो भाई दौलतपुर बाबा चौटाला 7,500 की तनखा ग्रहण की हुआ है। 14 कर दो जी। हाँ तो भी नहीं कल जीतेगा। हाँ नहीं कौन जीतता जी कल होगी? कौन जीता ना? झूठे झूठे वादे करके पहले जा लिया जी। और जो हमने जोर लगा के मनाया था जो खुद हमारा रिश्तेदार है अनूप दानक है वो भी आड़े कदे बार नहीं आया बोर्ड के ना बोर्ड के कैसे जीतेगा वो? 10 साल ताऊ जी तो दो बार बनाया है। हाँ दो बार ही बनाया। पहली बार मैं तो नहीं हुई थी। क्या तो कौन पे किम बात फिर दे दें किम बात कौन भाई? वो पार्टी दूसरी अलग बना ली होती जो चौटाला में रहता थोड़ा ही बनता फिर जी। हाँ जी वो तो पार्टी की जगह अलग में बनाना है जीते है। सही बात। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। के कुछ माहौल लग गया जी दौलतपुर की राजनीति? राजनीति गांव की करके तो छोरी दोगे वोट है। अच्छा बाकी मोदी जीतेगा? बाकी मोदी जीतेगा। अगर पूरी हिसार लोकसभा की बात करें तो रणजीत चौटाला और सुनैना चौटाला आमने सामने रणजीत जीतेगा सुनैना की जीत? नहीं। कारण के मानोगे? सादा दौलतपुर पार्टी है काम कर रहा है बीजेपी काम कर रहा है। हां बिना पैसे नौकरी लगा है बालक है कोई पढ़ेगा तो लगा है बिना अनपढ़ ना कोई लगाओ को नहीं पढ़ेगा तो नौकरी लगेगा और कंपटीशन में लगा बिना खर्चे का। हां बिना कोई रुपया नहीं देना कोई रुपया नहीं किसी का बच्चा लगेगा मेरे गांव में बहुत लगे है किसी ने 1 रुपया कौन दिया सबसे बड़ी बात तो यह है। फिर हर हर मतलब जिनका मुफ्त राशन देने लग रहा है तेल भी मिला है जिसने गरीब आदमी ने और अन्न भी मिला है सबने मिला है एक सबसे बढ़िया यह बात है। सुनैना चौटाला ने आपके गांव में प्रोग्राम किया था जनसभा की उसके अंदर बोला था कि पूरा गांव राम मेरे लिए वोट मांगे क्या आप उसके लिए वोट मांगोगे? नहीं नहीं मांगोगे? नहीं क्यों नहीं? इन को कदे काम है कौन करे कदे काम है कौन करे मतलब ये इतने वो होंगे नहीं तो इन एमएलए नहीं हमारे गांव का होता किसने सीएम हमारे गांव का होता हमारे गांव का होता चौटाला और से बड़े हैं। अच्छा हाँ कोई छोटे आदमी नहीं है हमारे गांव में लंबे जो कोई छोटी मोटी चीज को नहीं किसने कौन करे काम हमारे गांव क्या नहीं कौन करे काम कदे ऐसी हमारे गांव के रह रही है वाइस चांसलर हमारे गांव के रह रही है कितने नौकरी लगाए कोई नौकरी आ रहा है। पहले चौटाला का राज था उस टाइम पीछे भी देने पड़े करते और इनके पैर भी पकड़ने पड़े करते इब किसी ने पीछा भी कौन देना ना कोई पैर पकड़ना कोई बालक पढ़ेगा तो नौकरी लग जाएगा बिना पढ़ेगा कोई नौकरी लग जाएगा। अगर आपके गांव की बेटी सुनैना चौटाला जीत जाती क्या लगता आपको? नहीं नहीं जीतेगी यार ना हमारे काम होगा जीतेगी तो भी काम को नहीं होगा जीतेगी तो भी काम नहीं होगा देख रहे को नहीं आप ये जोड़ जाके देख रहे हो किसी ने अनुरोध कर जब आपको ये पता अगर जीत भी गई तो काम ही होगा फिर भी आप इतना सपोर्ट क्यों? नहीं हम सपोर्ट तो ये कुछ करा है गांव के और सारा काम थोड़ा है नहीं करेंगे आपका गांव मरकवाड है नहीं करेंगे। हां जी है हां जी आपका कुएं जोड़ देखो कितने गजब हां जी कर रखे काम कर रखे क्यों अकबाई चारा
हमारे गांव का भाईचारा नहीं है, कोई कुआ नहीं, कोई जोड़ नहीं, जाके देखो जी क्या हाल हो रहे। देखियो हाँ, देखो जी देख बनाई है जी, एक दो बार पहले भी बनाई है। हाँ इसमें पशु भी मरे पाओगे, कारण ये दलदल मजार की पूरी। हाँ इसका फोटो देखियो आप ले रहे हो, और इसमें दो खाकड़ तो हमने परसों काटे है, एक बार रोज भी काटे है नील गाय, और कई बार बहुत पशु काट लिया हमने। और अगर रात को अगर कोई पशु बढ़ गया होगा तो उसकी क्या तसल्ली हो, तो मर गया होगा, मैं दिखता ही नहीं कुछ। नहीं वो जो विरोध करा है वो गलत है, गलत है क्यों, वो ये राजनेता है, ये राजनेता जरा ठीक आओगे उड़ जाओगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है किसी को भी। रणजीत चौटाला का विरोध किया गया, आपके पड़ोसी गांव का उड़ाया गया था, ये तो जो उपन बिरादरी है ये करा, एससी और बीसी कोई विरोध नहीं करता इनका, एससी बीसी विरोध नहीं नहीं करेगा, गरीब जाति है कोई विरोध नहीं करेगा इनका, कोई आओ कोई जाओ। राम राम ताऊ। राम राम भाई, के माहौल है ताऊ दौलतपुर गांव में? माहौल भाई सुनेना का ठीक है फिलहाल, कुछ ताऊ और नाराज भी है सुनेना ने लेकर, वो नो तो है कर अगर काम राम के काम है, बाकी उरे भैया वोट तो भाई अपने गांव की बेटी है। हाँ। बेबे है गांव की तरफ से वोट देवे देंगे, वो कर्म इसका आरोपी तो इसका कर्म। सुनेना चौटाला को छोड़ करके अगर कोई और चेहरा इशार लोकसभा तो भी आप इनेलो पार्टी को सपोर्ट करते? नहीं इनेलो नहीं करते, फिर नहीं करते या सुनेना नहीं आती और नहीं करते लोग, तो फिर आपको क्या लगता पूरे इशारा क्षेत्र से? हाँ जी काम नहीं करती, काम नहीं करती भाई, काम झूठे वायदे करते हैं, झूठे खोए थापी मार दी, हाँ तेरा काम हो जाएगा, नहीं होते, झूठी थापी मारे हैं, झूठी थापी मारा है काम जहाँ तक पहुँचे, तो फिर कुछ कुछ नहीं करया, राज्य राज करके गया है और कुछ नहीं करया, गांव का कुछ नहीं करया। अपने पूरे हिसार लोकसभा तो सुने ना जीत पाओगे या नहीं, वो तो इसके कर्म है, वो तो कर्म है, कर्म की होगा। गलियों के हाल देखो जी, गलियों के हाल देखो जी, चिक्कड़ इतना चढ़ रहा है कोई कोई सफाई कर्मी भी नहीं आता, सफाई कर्मचारी भी नहीं आता। आवे है तो 15 दिन में 20 दिन में आओगे। कुछ नहीं करे, अड्डा फोन दे रहा है, गाड़ी उरो को जावे है और नो वोट कर लेगा, उरे बैठे है नहीं तो नो वोट कर लेगा, नो वोट कर ले है, वोट करके लिखड़े तो वोट करके लिखड़े है, कमाल की बात है, कमाल के फोन ला ले, नो आदमी बैठे नहीं, आदमी बैठे होगा नो फोन ला देगा वोट कर लेगा, मैं दिखा नु आवे फोन आ रहा इसका, तो वो झूठे वादे बड़ा उसको डरे लगेंगे, ये पाछा आया था जिद उसका लागे, इतना विरोध अनुपदानक जी का कर रहे हैं। हां भाई युवा साथी भी अपने साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लिया एक बार, ताऊ ने ना लो ताऊ की। नमस्कार जी। नमस्कार के कुछ माहौल लागे जी मोदी सरकार से, युवा कितने संतुष्ट है? मोदी सरकार सारे संतुष्ट है, सारे संतुष्ट हैं। तो मोदी सरकार से बीजेपी से रणजीत चौटाला जी आए मैदान में, क्या जीत पाएंगे? जीत पाएंगे। सुनेना चौटाला आपके गांव की बेटी है, लगातार मांग करण लग रही है कि गांव मेरा साथ दे, मेरे नाम से वोट मांगे, उसका क्या कुछ रुझान रहेगा? बढ़िया रुझान है दौलतपुर गांव से, दौलतपुर गांव से बढ़िया। अगर पूरे हिसार लोकसभा की बात करा तो क्या सुनेना जी जीत पाएंगे? वो उसका क्रम है, वो उसका क्रम। जब आपने कह दिया रणजीत चौटाला जी जीत पाओगे तो फिर उसका क्रम तो जीत पाओगे, तो जो काम करेंगे तो वही जीतेगा, वही जीतेगा। तो अपने केला रणजीत और सुनेना की टक्कर में कौन आगे? जीतने से पहले काम किए जाते हैं, हाँ घर से भी करो पहला, तो जीतने के बाद तो फिर तो होती है ना, मन तो देखिए पहली बार आई थी, देखिए पहली बार मन बिचारी कल जानी था, और बस स्टैंड में बैठे थे उधर आई थी, बोले सुमित की बेबे मस्जिद देखी थी के कुछ माहौल अपने लागे है कि रणजीत चौटाला और सुनेना चौटाला आमने सामने लड़न लग रहे हैं, आगे कौन रहेगा? आगे तो दोनों लड़न लग रहे हैं, रणजीत है, रणजीत आगे। तो भैया आप देख सकते हो, ये देखिए आपने दौलतपुर गांव की तस्वीरें, आप जो कुछ कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।